हाय छात्रों, आप लोग को आज हम रसायन विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिश्र धातु को याद करने का सुपर ट्रिक बताएंगे। मिश्र धातु से संबंधित सवाल मैट्रिक परीक्षा, इंटर के परीक्षा तथा कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आते रहते हैं, जिसे याद करने में छात्रों को बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन आप आज के बाद 5 मिनट में मिश्र धातु को याद करने का सुपर ट्रिक जान लेंगे और आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। छात्रों, मैं तो कहूँगा कभी भी हिम्मत मारे मत हारिए, क्योंकि कहा गया है, राह में पत्थर पर वाह नहीं, पाँव में फोड़े आह नहीं, चमन में फूल खिलाएंगे, आसमान हो ऊंचा, फिर भी नई सीढ़ी लगाएंगे, फिर भी नई सीढ़ी ले जाएंगे लगाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम लोग मिश्र धातु याद करने का सुपर ट्रिक जाने। मिश्र धातु के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बातें जानना पड़ेगा। देखिए, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना हुआ छड़ी है, जिसे आप जादू की छड़ी भी कह सकते हैं। ये जादू की छड़ी आपको मिश्र धातु के बारे में पूरी तरह बता देगा। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण के समांग मिश्रण से बनने वाले पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कौन कौन से धातुओं से बने हैं, इसको जानने से पहले आप कुछ धातुओं के नाम और उनके संकेतों के नाम याद कर लें। कॉपर या तांबा का संकेत होता है Cu, जस्ता या जिंक का संकेत होता है Zn, टिन का संकेत होता है Sn, एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, मैग्नीज का संकेत होता है Mn, लोहा का संकेत होता है Fe, सीसा का संकेत होता है Pb। उसी तरह कैडमियम का संकेत होता है Cd, फास्फोरस का संकेत होता है P, बिस्मथ का संकेत होता है Bi और कार्बन का संकेत होता है C। अब हम लोग मिश्र धातु याद करने के सुपर ट्रिक के बारे में तैयार हो गए हैं। चलिए तो मिश्र धातु को याद करने का सुपर ट्रिक जाने। देखिए, यहाँ पर है मिश्र धातु, यहाँ ट्रिक और यहाँ पर घटक, मतलब कि जिन धातुओं से मिलकर बना है उस मिश्र धातु का नाम यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिक है और उनके अवयवी कणों या तत्वों के नाम यहाँ पर हैं। तो सबसे पहला है पीतल। पीतल किन किन पदार्थों से बना है? देखिए, पीतल याद करने का ट्रिक है ताजा, तांबा और जस्ता Cu Zn। पीतल को याद करने का ट्रिक है ताजा, तांबा और जस्ता। तांबा का संकेत होता है Cu और जस्ता का संकेत होता है Zn। उसी तरह दूसरा है, इसको पीतल को आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जा से जस्ता। कांसा, कांसा का ट्रिक है काटी। काटी मतलब कॉपर और टीन। कॉपर का संकेत होता है Cu और टीन का संकेत होता है Sn। इस तरह इसको याद कर सकते हैं, कुत्ता काटी, क से कांसा, का से कापर और टी से टीन। तीसरा है गन मेटल। गन मेटल का ट्रिक है ताजा टी, तांबा जस्ता टीन। तांबा जस्ता टीन, तांबा का संकेत होता है Cu, जस्ता का संकेत Zn और टीन का संकेत होता है Sn। इस तरह आप याद कर सकते हैं ताजा टी। तीसरा ट्रिक है जर्मन सिल्वर का। जर्मन सिल्वर, इसका ट्रिक है निजाता। निजाता निकेल, जस्ता और तांबा। निकेल Ni, जस्ता Zn और तांबा Cu। तीसरा पांचवा संकेत है शोल्डर। शोल्डर का संकेत होता है, ट्रिक होता है Ct। Ct सीसा और टीन। सीसा का संकेत होता है Pb और टीन का संकेत होता है Sn। Ct सीसा और टीन, इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, सोनू सीटी मारी। सो से शोल्डर और सी से सीसा और टी से टीन। अगला है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड को झूठा सोना भी बोला जाता है। रोल्ड गोल्ड को झूठा सोना भी बोला जाता है। इसका ताला याद करिए या एका याद करिए। ताला, तांबा और एल्युमिनियम, नहीं तो एका एल्युमिनियम और कॉपर। एल से एल्युमिनियम और Cu से कॉपर। ड्यूरेलिमिन सातवां नंबर है। ड्यूरेलुमिन वायुयान के बनाने में काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन का संकेत होता है एका में मगन। एका में मगन। ए से एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम। एल एल्युमिनियम का संकेत होता है Cu, कॉपर का संकेत होता है Mg, मैग्नीशियम का संकेत होता है और Mn होता है मैग्नीज का। ए से एल्युमिनियम, का से कॉपर, मे से मैग्नीशियम और मगन से मैग्नीज। अगला है नाइक्रोम का। नाइक्रोम,
नाइक्रोम का ट्रिक है माइक्रोनी लो, माइक्रोनी, मैग्नीज क्रोमियम निकेल लोहा, मैग्नीज क्रोमियम निकेल लोहा। मैग्नीज का संकेत होता है Mn, क्रोमियम का संकेत होता है Cr, निकल का संकेत होता है Ni और लोहा का संकेत होता है Fe। अगला है आपके पास मोनल मेटल, मोनल मेटल, मोनल मेटल का ट्रिक है निकालो निकेल कॉपर लोहा। निकेल का होता है Ni, कॉपर का Cu और लोहा का Fe। इसके साथ ही स्टील या इस्पात का ट्रिक है इलाका, इलाका, ई से इस्पात, ला से लोहा, का से कॉपर, नहीं तो इलाको, इस्पात, लोहा और कार्बन, कार्बन सॉरी, का से कार्बन है। उसके बाद है उट्स धातु, उट्स धातु, उट्स धातु का संकेत है TCB के, TCB के, टीन सीसा बिस्मथ कैडमियम, टीन सीसा बिस्मथ कैडमियम। टीन का संकेत है SN, बिस्मथ का संकेत PB और सीसा का संकेत PB और बिस्मथ का संकेत BI और कैडमियम का संकेत CD। इस तरह आप याद कर सकते हैं TCB के उट्स धातु। मुद्रा धातु का बढ़िया ट्रिक है, मुद्रा धातु का ट्रिक है मुका फाटी, मुँह से मुद्रा धातु, का से कॉपर, फा से फास्फोरस और टी से टीन। कॉपर का होता है संकेत Cu, फास्फोरस का होता है P और टीन का संकेत होता है SN। इस तरह आप लोग इस मिश्र धातु को याद करने का सुपर ट्रिक जानकर आज के बाद मिश्र धातुओं संबंधित सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे मैट्रिक एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के एग्जाम, इंटर के एग्जाम हो, सभी में आपको ये मदद करेगा। थैंक यू।